किसान का बेटा इवान और तीन भयंकर राक्षस। इसी समय दोनों बड़े भाई भागते हुए वहां पहुंचे। ओह, कैसे लोग हो तुम दोनों, इवान ने कहा। तुम्हारी इस नींद के कारण मैं तो अपनी जान से लगभग हाथ धो बैठा था। दोनों भाई उसे झोपड़ी में ले गए। उन्होंने उसे नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और उसके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। इवान तड़के ही उठा और कपड़े पहनने लगा। इतनी सवेरे ही तुम क्यों उठ गए, भाइयों ने पूछा। ऐसी जोरदार मुठभेड़ के बाद तो तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, इवान ने कहा, मुझसे आराम की बात मत करो। किशमिशी नदी के तट पर कहीं मेरी पेटी खो गई है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। उसकी क्या जरूरत है, भाइयों ने जवाब दिया। जब हम नगर में जाएंगे तो तुम वहां नई पेटी खरीद लेना। नहीं, मुझे वो पुरानी पेटी ही चाहिए। और इवान अकेला ही किशमिशी नदी की ओर चल दिया। मगर वह पेटी की खोज करने के लिए नहीं रुका। वो रस भरी पुल को लांघ कर दूसरे किनारे पर पहुंचा और भयंकर राक्षसों के पत्थर के बने महल में लुके छिपे जा घुसा। वो एक खुली हुई खिड़की के पास खड़ा होकर बातचीत सुनने लगा। वो यह जानना चाहता था कि यहां कोई नई साजिश तो नहीं रची जा रही। उसने भीतर झांका और पाया कि भयंकर राक्षसों की तीनों बीवियां और राक्षसों की बूढ़ी मां बैठी हुई है। वे आपस में बातचीत कर रही थी। पहले राक्षस की बीवी ने कहा, मैं किसान के बेटे इवान से अपने पति का बदला लेके रहूंगी। वो और उसके भाई जब घर लौटते होंगे तो मैं उनके लिए दिन की गर्मी असह्य बना दूंगी और खुद कुआं बन जाऊंगी। प्यास से बेहाल होके वे पानी पीने के लिए आएंगे और पहला घूंट पीते ही मर जाएंगे। ये तो तुम्हें अच्छी बात सूझी है, बूढ़ी राक्षसी ने कहा। दूसरे राक्षस की बीवी बोली, मैं उनके आगे आगे भागकर सेब का पेड़ बन जाऊंगी। उनमें से हर एक सेब खाना चाहेगा मगर मुंह में डालते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तुम्हें भी अच्छी बात सूझी है, बूढ़ी राक्षसी ने कहा। तीसरे राक्षस की बीवी बोली, और मैं उनकी आंखों में नींद की खुमारी ला दूंगी। मैं भागकर उनके आगे आगे जाऊंगी और रेशमी तकियों समेत नर्म नर्म कालीन बन जाऊंगी। तीनों भाई लेटकर आराम करना चाहेंगे और आन की आन में झुलस कर रह जाएंगे। तुमने भी अच्छी तरकीब सोची है, बूढ़ी राक्षसी ने कहा। फिर भी अगर तुम तीनों उन्हें मार डालने में नाकाम रहोगी तो मैं खुद एक अतिकाय सुअरनी बनकर उन तीनों को निगल जाऊंगी। किसान का बेटा इवान उनकी बातें सुनने के बाद जल्दी से अपने भाइयों के पास लौट आया। मिल गई तुम्हें पेटी, भाइयों ने उससे पूछा। हाँ, मिल गई। इसके लिए इतना वक्त बर्बाद करने की क्या तुक थी। हाँ, तुक थी मेरे भाइयों। इसके बाद तीनों भाई सफर के लिए तैयार हुए और घर की ओर चल दिए। अपने घोड़े बढ़ाते हुए उन्होंने मैदान लांघे, चरागाहें पार की। गर्मी ऐसी जोरों की थी कि कुछ न पूछिए। उन्होंने अनुभव किया कि अगर वे पानी नहीं पिएंगे तो उनका दम निकल जाएगा। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्हें निकट ही एक कुआं नजर आया जिसकी सतह पर चांदी का एक डोल तैर रहा था। दोनों बड़े भाइयों ने इवान से कहा, इवान, आओ थोड़ी देर रुककर ठंडा पानी पिए और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाएं।
मगर कौन जाने इस कुएं में कैसा पानी है, इवान ने जवाब दिया। इतना कहकर वह घोड़े से नीचे कूदा और तलवार निकालकर कुएं पर वार करने लगा। उसके ऐसा करने पर कुएं से भयानक शोर और चीख पुकार सुनाई दी। अचानक धुंध छा गई, गर्मी का जोर कम हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। अब देखा तुमने मेरे भाइयों कैसा पानी था इस कुएं में, इवान ने कहा। वे अपना घोड़ा बढ़ाते गए। इसकी तो राम जाने के समय बहुत गुजरा या थोड़ा, मगर तभी उन्हें सेब का एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर बड़े बड़े और लाल लाल सेब लटके हुए थे। दोनों बड़े भाई घोड़े पर से कूदे और सेब तोड़ने ही वाले थे, मगर इवान उनसे भी तेज निकला और वह अपनी तलवार निकालकर सेब के पेड़ की जड़ें काटने लगा। सेब का पेड़ चीखने चिल्लाने और शोर मचाने लगा। देखा तुमने मेरे भाइयों कैसा था ये सेब का पेड़, इसके सेब हमें मजा देने के लिए नहीं थे, इवान ने कहा। और वे तीनों फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वे बहुत देर तक घोड़े दौड़ाते रहे और बहुत थक गए। उन्होंने अपने इर्द गिर्द नजर डाली तो उन्हें मैदान में नर्म सा और सुंदर कालीन दिखाई दिया जिस पर रेशमी तकिए लगे हुए थे। आओ कालीन पर लेटकर जरा सुस्ता ले, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। नहीं मेरे भाइयों, तुम इस कालीन को नर्म और आरामदेह नहीं पाओगे, इवान ने उनसे कहा। यह सुनकर दोनों बड़े भाई बहुत बिगड़े। तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम क्या करें और क्या न करें, उन्होंने कहा। मगर इवान ने कुछ भी जवाब न दिया। उसने अपनी पेटी उतारी और कालीन पर फेंक दी। वो जलकर राख हो गई। तुम्हारा भी यही हाल हुआ होता, इवान ने अपने भाइयों से कहा। उसने निकट जाकर अपनी तलवार से कालीन और तकियों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इवान ने उन्हें तार तार कर दूर फेंक दिया और कहा, तुम्हें मुझ पर बिगड़ना नहीं चाहिए था मेरे भाइयों, कारण कि कुआं, सेबों का पेड़ और कालीन वास्तव में वे नहीं थे जो नजर आते थे। वे तीनों राक्षसों की बीवियां थी। वे हमारी जान लेना चाहती थी मगर उन्हें सफलता नहीं मिली, ते वे अपनी ही जान से हाथ धो बैठी। तीनों भाई घोड़े बढ़ाते गए। उन्होंने लंबी मंजिल तय की या छोटी, ये तो राम जाने। मगर अचानक आकाश एकदम स्याह हो गया। हवा चीखने चिंघाड़ने और धरती कांपने कराहने लगी। तभी उन्होंने एक अतिकाय सुवर्णी को अपने पीछे भागते आते देखा। उसने अपने बड़े बड़े जबड़े फाड़े और वो इवान तथा उसके भाइयों को निगल ही जाने वाली थी, मगर ये तीनों भाई भी भूले भाले नहीं थे। उन्होंने अपनी सफरी थैलों में से एक एक पूरा नमक निकाला और सीधे सुवर्णी के खुले हुए मुंह में झोंक दिया। सुवर्णी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने समझा कि किसान का बेटा इवान और उसके दोनों भाई उसके मुंह में आ गए हैं। वह रुककर नमक को चबाने लगी, मगर यह महसूस कर कि वो नमक खा रही है, वो फिर से उनके पीछे भागी। वो तेजी से भागी आ रही थी। उसके बाल खड़े थे और वो दांत पीस रही थी। ऐसा लगता था कि वो अब पहुंची की पहुंची। यह देखकर इवान ने अपने भाइयों से कहा कि वे अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाएं। उनमें से एक दाई और दूसरी बाई और खुद इवान सामने की ओर अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। सुवर्णी पास आकर रुक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबसे पहले किसका पीछा करे। यह सोचती और अपनी थूथनी इधर उधर घुमाती वो देख रही थी। इस बीच इवान ने उसे उठाकर अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। सुवर्णी धूल बनकर धूल में ही मिल गई और धूल हवा में बिखर गई। इसके बाद इन इलाकों में न राक्षस नजर आए और न अजदहे या सांप। लोगों को सदा सदा के लिए डर से निजात मिल गई।
जहाँ तक इवान का सवाल है, वो तो अपने भाइयों के साथ अपने माता पिता के पास वापस लौट आया और वे लोग खूब सुख चैन से रहने लगे। कहानी खत्म। Hope you enjoyed the story. Do let me know in the comments if you would like to hear more stories narrated in this manner and if you have any suggestions for me. Thank you, and I'll see you again.